आज हमारे साथ मौजूद हैं छपरा की छोटी राइटर आशी प्रिया, आठवीं कक्षा की छात्रा हैं। बतला दें कि जहां आठवीं कक्षा तक बच्चे किताब पढ़ते हैं और किताब पढ़ने में भी कतराते रहते हैं, उस स्टेज में आकर आशी प्रिया ने एक किताब लिखी है, नाम है 1945। ये बुक जो है ब्राई ग्रुप्स पर पब्लिक हुई है और इसकी अच्छी मार्केट में डिमांड है। इस कहानी में आशी प्रिया ने क्या दर्शाया है, आइए हम सीधे बात करते हैं आशी प्रिया से। मेरा नाम आशी प्रिया है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं छपरा के छतरदारी बाज़ार में रहती हूँ। मेरे पापा का नाम श्री केशरी किशोर है, वो SBI में ऑफिसर है। मेरी मम्मी का नाम स्नेहा प्रिया है, वो हाउस मेकर है। इस किताब मेरी किताब 1945 में मैंने वर्ल्ड वॉर टू का सिनेरियो दर्शाया है। मेरी किताब ब्राई बुक्स पे पब्लिश हुई है। इस किताब में टर्की में रहने वाला एक जापानी लड़का अपने गांव हिरोशिमा लौटता है और पाता है कि उसका गांव डिस्ट्रॉय हो चुका है। अंत में वे अपने काफ़ी प्रयास के बाद वो लड़का अपने मम्मी पापा को तलाश लेता है और इसी तरह कहानी समाप्त होती है। यह किताब में वर्ल्ड वॉर टू के दृश्य के साथ साथ मैंने मानवीय संवेदनाओं को दर्शाया है। इस मुझे बचपन से इस बुक को लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे बचपन से बुक रीडिंग में काफ़ी रुचि रही है। मेरे शिक्षकगण और माता पिता ने मुझे किताब लिखने के लिए मोटिवेशन दिया है। मैंने यह किताब स्टूडेंट्स और बच्चों के लिए लिखी है जिन्हें हिस्टोरिकल फिक्शन में इंटरेस्ट है।